इंडियन आइडल के मेरे ओपिनियन वाले वीडियो में मैंने आकाश कुलकर्णी की तो बहुत ज्यादा बातें कर ली, या यूं कहूं कि मैंने मेल सिंगर के बारे में बहुत ज्यादा बातें कर ली है। आज मैं थोड़ी सी बात एक फीमेल सिंगर की भी करूंगा जिन्होंने पूरे उस फीमेल ग्रुप के अंदर में से एक अलग सी पहचान बना के रखी है। और जब इन्होंने आकाश कुलकर्णी के साथ में अपना डुएट गाया तो भाई सच मानो ऐसा लगा कि दो बड़े बड़े परफॉर्मर जो है सामने में खड़े होकर के आपको एंटरटेन कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ शार्प प्रिया के बारे में। इनकी आवाज जो है ना किसी और की याद दिलाती है। अब वो आवाज़ जो है आपको अगर नहीं पता है तो आपको बता दूं भाई, ये आवाज़ है उषा जी की। उषा जी जब गाना गाया करती थी और उनकी आवाज़ जब गूंजती थी ना बॉस, तो ऐसा लगता कि शेरनी दहाड़ रही है और उस आवाज़ में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा, जबकि एक रॉक आवाज़ सुनने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाना। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शार्प प्रिया की जो आवाज़ है ना बॉस, उस आवाज़ में ऐसा लगता है परा 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 परा, मतलब ये आवाज एक टाइम पे जो है ना बॉलीवुड की पहचान हुआ करती थी। इस तरह की म्यूजिक, इस तरह का आवाज और टैन 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 है, ये सारी आवाज जो है शायद ऐसे ही कैरेक्टर के अंदर से बाहर आया है। ये वो लोग हैं जो अपने आप में रॉकस्टार हैं। शार्प प्रिया के बारे में अगर बात की जाए तो भाई पूरी फीमेल सिंगर की आवाज एक तरफ और इनकी आवाज एक तरफ, और इनको डाल दिया गया था आकाश कुलकर्णी के साथ में, और दोनों की जो जुगलबंदी थी, इस बार जो लोगों ने कहा है कि भाई मौसम बदल दिया, सीरियसली बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान का मौसम बदल दिया। अब बात करते हैं मिस्टर लेले यानी निशिकेत लेले की। भाई इनकी एक अलग ही स्टाइल है गाने की, कि ये जब भी गाना गाने के लिए आते हैं और जो भी गाना गाते हैं उस गाने का एक रूप धारण करके आते हैं। मतलब जैसे फीमेल बनकर आते, कभी मच्छी वाले बनकर आते, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन यार मैं इनकी गायकी की अगर बात करूं तो भाई वो बात नहीं नजर आती मुझे इनकी गायकी में कि भाई इनको उतने सारे मार्क्स दिए जाए या फिर इनको वोट करके सीधा जिता दिया जाए, क्योंकि इनके अंदर में जो है ना वो कल्चर पनपता है, ना कि एक सिंगर। ये हर एक कल्चर को बहुत ही अच्छे से अपने ऊपर में दर्शाते और इनके फेस के ऊपर में जो भी आप रूप देखते हो वो इतना फिट बैठ जाता है कि आप मानने लग जाते हो कि यही वो रियल चेहरा है, इसके अलावा कोई और चेहरा हो ही नहीं सकता। बस मैं अगर पसंद करूंगा तो सिर्फ इसी वजह से, ना कि गाने के वजह से। अब इस बात के लिए आपको गाली देना हो तो यार दे सकते हो कमेंट सेक्शन पे, बट मेरे लिए भाई जो है सो है। अब यहाँ पे बात करते हैं पवनदीप के बारे में। भाई लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने जो है पॉइंट आउट किया कि भाई ये उत्तराखंड से है ना कि नेपाल से है। हो जाता है यार कभी कभी, हो जाता है, मतलब समझ रहे हो ना, हो जाता है। पर सच बता रहा हूँ इनकी गायकी की अगर बात की जाए तो भाई बहुत ही दमदार लगता है मुझे, सच बता रहा हूँ, बहुत ही दमदार लगता है, बहुत ही टैलेंटेड लगते हैं। अब इनके बारे में जो है मुझसे ज़्यादा आप लोगों ने बता दिया है कि भाई ये ऑलरेडी किसी शो को जीत चुके हैं और उस शो को जीतने के बाद में यहाँ पे आए हैं। अब इस बारे में जो है मैं बात नहीं करना चाहता था क्योंकि गूगल के अंदर में जिस तरह के फोटोग्राफ्स डाले हुए थे उससे देख करके समझ में आ ही गया था, क्योंकि अगर ये फर्स्ट टाइम इंडियन आइडल में आए हैं और ये इनका ऑडिशन है और उसके बाद से ये गा रहे हैं और ये शो जीतना चाहते हैं तो भाई इससे पहले इस तरह के फोटोग्राफ और इस तरह के पर्सोना कैसे दिख गए थे। भाई शक उसी वक्त हो गया था, लेकिन ठीक है, जाने दो, यहाँ पे बात टैलेंट की हो रही है जो कि आपकी सिंगिंग को जो है निखार करके सामने लाता है। टैलेंट की अगर बात आ रही है तो दिल से एक चीज तो निकली है भाई कि लास्ट वीक जो है इंडियन आइडल ने एक सही जोड़ी बनाई थी, टैलेंट की एक अलग जुगलबंदी बना करके सामने रखी गई थी। अब वो जो जुगलबंदी थी मेरे लिए भाई हैट्स ऑफ थी, और अब तक का जो मैंने इंडियन आइडल का एपिसोड देखा है वो भाई पूरा का पूरा वर्थफुल लगने लग गया। सच बता रहा हूँ, एक तरफ में सवाई भट्ट को सुनना और दूसरे साइड में पवनदीप को सुनना, दोनों का साथ में जुगलबंदी, इट्स लाइक अ ट्रीट फॉर योर ईयर यार। सच बता रहा हूँ, आपके कानों में जो है मानो शहद घुल से जाए। और इससे भी बड़ी बात ये लगी कि दोनों के कल्चर को जो है आपस में एक्सचेंज कर दिया गया। मतलब जो बंदा पहाड़ी है उसने राजस्थानी को वो पहाड़ी लुक दे दिया, और जो बंदा राजस्थानी है वो पहाड़ी वाले को राजस्थानी लुक दे दिया। अब पता नहीं लोगों के कॉस्ट्यूम बदलने से उनके कल्चर, उनकी आवाज में बदलाव आ जाती है या फिर ये एक चमत्कार था, क्योंकि जिस तरह से पवनदीप ने सुर लगाया था उस सुर को सुनकर के एक ही चीज दिमाग में आता है कि बॉस इट वॉज एपिक। सच बता रहा हूँ, एपिक था मेरे लिए ये परफॉर्मेंस। तो इन दोनों की परफॉर्मेंस और आकाश कुलकर्णी और शार्प प्रिया की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो ये दो परफॉर्मेंस लास्ट वीक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस में काउंट किया जा सकता है। और जो भी लोग कह रहे थे कि प्लीज यार दानिश के बारे में भी बात करो, उसके बारे में भी अपना ओपिनियन दो, तो मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं दानिश के बारे में जरूर अपना ओपिनियन दूंगा। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए तहे दिल से यार धन्यवाद, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, साइन ऑफ एंड अस्ता ला विस्ता।